ईर्ष्या नहीं करनी है, हसद नहीं करनी है, सबसे संभव रहना है। सब जो वो लोग करते हैं तो करें, लेकिन यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं जिसके हृदय में ईर्ष्या होता है, जिसके हृदय में द्वेष होता है, जिसके हृदय में हसद सड़न होती है, उसके हृदय में कभी भी भगवान का प्रेम प्रकट हो नहीं सकता। और जिसके हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है वो कभी भी आनंद से नहीं जी सकता। तो अपने पर कृपा करो, ऐसा नहीं कि जिससे हम जलन कर रहे हैं उसके ऊपर कृपा हो रही है, नहीं, अपने बारे में सोचो। आप यदि ईर्ष्या करोगे तो हृदय किसका दुखेगा? वो तो पता ही नहीं, मजा कर रही है उसको, जिससे ईर्ष्या कर रहे हो वो तो खा रही है पानी पूरी बर्गर पिज्जा जो भी करके मजा कर रही है। हम ईर्ष्या कर रहे हैं, जल कौन रहा है? सर में दर्द किसके होगा? मेरे। घोड़े में दर्द किसका होगा? मेरे। तो अपने ऊपर कृपा करो। आप अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो ना तो खुशी आपको होगी। यदि आप किसी के लिए नफरत मन में रखोगे ना तो दिल आपका दुखेगा। इसलिए अपने दिल को खुश करो, अपने आप को स्वस्थ रखो और खुश रखो।